हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ बाजीराव नर्सिंग एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, और मेनली जो आपके आने वाले सीएचओ हैं उसमें बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चन की सभी की अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, और सभी जो भी आपका ESIC है, NORSAT है, DSS भी है या PGI है, इन सभी पेपर में सीएचओ से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में अपन डील कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में डील करते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ अबो। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ अबो होगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उसमें प्रोटीन होगा, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन होगा, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो कितने किलो कैलोरी, तो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराएगा। 1 ग्राम फैट होता है उससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा वो भी 4 किलो कैलोरी से एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपके मिनरल्स एंड विटामिंस होते हैं, वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डील करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा या प्रमुख स्रोत या मेन सोर्स क्या होता है। तो इसका जो मेन सोर्स होता है वो सभी जो खट्टी चीजें होते हैं उनमें आंवला, जो विटामिन सी होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है, मेन सोर्स होता है, आंवला होता है, ऑरेंज हुआ, ये सभी जो भी आपके जो खट्टे चीजें होती है या खट्टे फल होते हैं उन सभी में आपका विटामिन सी रिच मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आंवला होगा, इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। एप्पल नहीं होगा, गवावा, ऑरेंज और आंवला में से दोनों में से पूछा जाता है, तो आंवला होता है वो रिचेस्ट होता है। आंवला अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑरेंज दे सकते हैं, और आंवला को ही ब्लूबेरी, इंडियन ब्लूबेरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा कि द अदर नेम ऑफ द विटामिन सी को अदर नेम क्या कहा जाता है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड का दूसरा नाम होता है वो विटामिन B9 का फोलिक एसिड होगा। निकोटिनिक एसिड होता है विटामिन B3, नियासिन या निकोटिनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड होगा, पेंटोथेनिक विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे रेगुलरली। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि रेटिनॉल इज आल्सो नोन एज, रेटिनॉल को किस नाम से जाना जाता है। Retinol is also known as the vitamin A is also known as retinol. Retinol vitamin A की 3 फॉर्म होती है, retinol, retinal और retinoic acid. तो vitamin A को retinol के नाम से जाना जाता है। vitamin B होगा, ये क्या होता है, vitamin A B C D E K, vitamin A B C D E K जिसमें से B और C होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि A D E K होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। अब विटामिन B होता है वो बहुत से टाइप का देखने को मिलेगा, विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B3, B5, B6, B7, B9, B12 के नाम से जाना जाता है। तो आगे इसको अच्छी तरीके से डील करेंगे कि विटामिन बी कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो सी रहने वाला है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ द विटामिन डी का रिच सोर्स क्या होता है। जो रिच सोर्स होगा इसमें से मिल्क, फिश, मूनलाइट या सनलाइट, या इसको क्वेश्चन को चेंज करके इस तरीके से पूछे कि विटामिन सी का जो आपका जो कॉमन सोर्स होता है या फिर आपका नेचुरल सोर्स होगा वो क्या होता है। तो सनलाइट होती है वो विटामिन डी का सोर्स होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल सोर्स की बात करें तो सनलाइट होता है वो करेक्ट आंसर होता है इसका।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा उसमें देखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी कॉज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स होता है, जबकि अडल्ट की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स नहीं है। ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स दोनों में से आता है, तो किसको आंसर मान का आंसर देना होता है आपको, हमेशा जब भी अगर क्वेश्चन में अडल्ट या चिल्ड्रन नहीं ऐड किया जाता है तो हमेशा उसमें क्वेश्चन में अडल्ट को मानसर आंसर देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑस्टियोमलेशिया होगा। स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, पेलेग्रा होता है, और विटामिन बी थ्री नियासिन की कमी से होता है। और पेलेग्रा में क्या क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा में मेनली थ्री डी आते हैं, जिसमें डेमेंशिया होगा, डर्माटाइटिस एंड डायरिया होता है। लेकिन अगर ये समय से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो कन्वर्ट होकर के 4D यानी डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके जो 3D है, डेमेंशिया, डायरिया एंड डर्माटाइटिस होगा, लेकिन अगर समय से इसको रिकवर नहीं किया जाता है तो ये 4D में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें डेथ शामिल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का टिटेनी होता है। टिटेनी में देख लेते हैं कि टिटेनी क्या होता है। तो टिटेनी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी से बॉडी में जो कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं उसे टिटेनी के नाम से जाना जाता है। वो क्वेश्चन नंबर सेवन को, क्वेश्चन नंबर सेवन को डील करते हैं कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड थिनिंग, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड थिकनिंग के लिए। तो विटामिन बी होता है, वो विटामिन के होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जिम्मेदार होता है। वो विटामिन के होता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। ब्लड विस्कोसिटी ब्लड को गाढ़ा करता है, ब्लड की थिनिंग करता है, पतला नहीं करता है। ब्लड को पतला करने वाले एजेंट है हेपरिन और वारफेरिन, जबकि ब्लड की थिकनिंग नहीं करता है। ब्लड में क्लोटिंग का काम करता है, ब्लड को क्लोट करवाने का काम करता है। अगर कहां से भी अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में विटामिन की लगाया जाता है ताकि वो जाकर के वहां क्लॉट का फॉर्मेशन कर दे। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ब्लड की क्लोटिंग करवाता है। राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज, राइबोफ्लेविन को नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को विटामिन B1 होता है, वो थियामिन के नाम से, थायामिन या थियामिन के नाम से जाना जाएगा। विटामिन B6 होता है, इसे पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, जबकि विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर क्या रहने वाला है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पूछा जाए तो इसमें दो टाइप के साइन एंड सिम्टम की बात करें। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा तो सिम्टम होगा नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। जबकि बात करें कि साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे तो उसमें जीरोप्थैल्मिया हो जाएगा, बाइट ऑट स्पॉट देखने को मिलता है। तो विटामिन बी ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया देखने को मिलेगा, बाइट ऑट स्पॉट देखने को मिलता है, लेकिन ए की कमी से सभी देखने को मिल रहा है, इसमें साइन सिम्टम क्लियर नहीं पूछा है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ अबो रहने वाला है कि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, जीरोप्थैल्मिया देखने को मिलेगा, जीरो मतलब ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया, ड्राइनेस ऑफ आई, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया देखने को मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी, बाइट ऑट स्पॉट यहाँ पर एक अल्सीरेशन देखने को मिलता है कॉर्निया में उसे। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलेगा, जीरोप्थैल्मिया देखने को मिला, बाइट ऑट स्पॉट देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज, विटामिन B6 को पाइरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अभी अपन ने डील कर लिया है कि राइबोफ्लेविन होता है वह विटामिन B2 होगा, थायमिन विटामिन B1 होता है, नियासिन B3 होगा, जबकि पाइरिडॉक्सिन होता है B6 के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन कॉज, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग को क्या नाम दिया जाता है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग को नाम दिया जाता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज गोइटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो गोइटर होगा, गोइटर की आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। आयोडीन नहीं लेने की वजह से जो गोइटर होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, उसका स्वेलिंग होने लग जाती है, तो इसे गोइटर के नाम से जाना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा वो 11 का होगा गोइटर। 12 नंबर की बात करते हैं कि 12 नंबर का आंसर क्या रहने वाला है। तो डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी बेरी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ
स्कर्वी रिकेट्स और बेरीबेरी किसकी कमी से होने वाली डिजीज होती है? तो अमाइनो एसिड की वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, लिपिड या फिर विटामिन की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी होगा, विटामिन की कमी से। अब विटामिन में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है, बेरीबेरी होता है विटामिन बी वन की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विटामिन रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, जब भी आप भोजन को प्रोसेस करते हैं या पकाते हैं तो उसमें किसकी मात्रा में कमी देखने को मिलती है? तो जब भी आप भोजन को पकाते हैं तो उसमें विटामिन का लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से विटामिन में कमी देखने को मिलती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो 13 का विटामिन रहने वाला है। 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए होगा, ए डी ई और के, ए डी ई के होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम से जाना जाता है। ए होता है, ए को रेटिनॉल कहते हैं, डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ई होता है वो टोकोफेरॉल होगा, जबकि विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज फाइटोमेनाडियोन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल नहीं है। तो फैट सोल्यूबल ए डी ई के फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि बी और सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सी होगा, यानी विटामिन सी है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरीबेरी, बेरीबेरी किसकी कमी से होने वाला डिजीज होती है? तो बेरीबेरी होती है वो विटामिन बी वन की कमी से, जो रोग होता है उसे बेरीबेरी के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलेगा। विटामिन बी टू होता है राइबोफ्लेविन कहलाता है। विटामिन बी सिक्स पाइरिडोक्सिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बेरीबेरी होता है वो किसकी कमी से देखने को मिलेगा? तो विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी डिजीज हो जाती है। और इसमें जो मेनली होता है वो राइस ईटर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ज्यादा राइस का ईटिंग करते हैं उनमें मेनली देखने को मिलती है बेरीबेरी। तो बेरीबेरी होती है वेट बेरीबेरी एंड ड्राई बेरीबेरी के नाम से जाना जाता है। ड्राई बेरी वेट बेरीबेरी होती है, उसमें आपका जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होगा, जबकि ड्राई बेरीबेरी में सीएनएस होता है, सीएनएस इन्वॉल्व होता है। तो ड्राई बेरीबेरी होगी वो क्या होती है, मोर डेंजरस होती है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा कि नेम द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन की कमी से होने वाली डिजीज को पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। अभी अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसमें 3D साइन देखने को मिलेगा, और 3D सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस होगा, डेमेंशिया होगा एंड डायरिया होता है, और अगर ये समय से ट्रीट नहीं किया जाता है तो 4D में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें डेथ इंक्लूड हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 16 का वो ए होगा, पेलेग्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 और 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है, तो रेटिनॉल होता है वो कोएंजाइम ए का कंपोनेंट होता है, पेंटोथेनिक एसिड होगा, विटामिन B5 होता है, पाइरिडॉक्सिन B6 होगा और रेटिनोइक एसिड होता है वो इसी के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो मेन जो कोएंजाइम ए का कंपोनेंट होता है वो रेटिनॉल होता है। और रेटिनॉल किस में हेल्प करता है, आपके विजन से रिलेटेड जो भी सिचुएशंस होती है या जो भी समस्या होती है विजन से रिलेटेड आपका काम करता है वो विटामिन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है वो किसकी कमी से देखने को मिलता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो फोलिक एसिड, क्योंकि साइनोकोबालमिन की कमी से देखने को मिलता है। वैसे तो मेनली जो साइनोकोबालमिन हो या फोलिक एसिड हो दोनों में ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि मेगेलो का मतलब होता है बड़ी हो जाना। अगर RBCs होती है वो उसका मैच्यूरेशन नहीं हो पाता है तो आरबीसी की साइज बड़ी रह जाती है। तो मेनली ये दोनों में फोलिक एसिड और साइनोकोबालमिन दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोलिक एसिड की कमी से देखने को मिलता है मेगालोब्लास्टिक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो फोलिक एसिड रहने वाला है। साइनोकोबालमिन की कमी से यानी विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है उसे परनीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है, और परनीशियस एनीमिया होगा तो उसके लिए
टेस्ट भी किया जाते हैं, और उस टेस्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा टेस्ट होता है जो पर्निशियस एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए किया। पर्निशियस एनीमिया के टेस्ट का डिटेक्शन करने के लिए, पर्निशियस एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसको डिटेक्शन करने के लिए किया जाता है सीलिंग टेस्ट करते हैं, उसका करेक्ट आंसर फोलिक एसिड रहेगा, जबकि कोबाल्ट होता। अगर ये पूछा जाए कि पर्निशियस एनीमिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, साइनोकोबाल्मिन होगा, विटामिन बी12 होता है, जबकि मैगलोब्लास्टिक के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेनली वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है मैगलोब्लास्टिक रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 पे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज द कोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी12 इज आल्सो नोन एज द साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाएगा। विटामिन बी11 नहीं होता है, D2 होता है, उसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, B6 को पाइरिडॉक्सिन कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका B होगा, विटामिन बी12। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर रहने वाला है वो नेम ऑफ द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग में, कौन सा विटामिन पार्ट लेता है। तो अपन ने अभी डील कर लिया है कि विटामिन के होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा वो सी रहने वाला है। विटामिन के होता है विटामिन सी की कमी, विटामिन सी क्या करता है ये जा करके बॉडी में आपके जो टिश्यू होते हैं उसकी ग्रोथ करवाता है और उसकी हीलिंग का काम करता है। विटामिन ए होता है वो विजन से रिलेटेड जो भी विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। विटामिन बी होता है वो फैट वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, और अलग अलग इसमें विटामिन के टाइप पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहने वाला है विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी सभी खट्टे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में विटामिन सी पाया जाता है, तो खट्टे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में होगा। तो टोमेटो में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, पपाया और गवा में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी का जो मेन सोर्स होता है वो खट्टे चीजें होते हैं या खट्टे जो भी प्रकार के फल और फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स। करेक्ट आंसर रहने वाला है टोमेटो होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का वो किसकी कमी की वजह से देखने को मिलता है। तो डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलेगा, तो आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी है आपके भोजन में, अगर आयोडीन की कमी लेते हैं या डाइट में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से जाकर के थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है और उस डिजीज को गोइटर के नाम से जाना जाता है। और जो गोइटर होता है वो मेनली आपके हिमालय एरियाज है उनमें और गोरखपुर में मेनली देखने को मिलता है। और गोइटर होता है वो मेनली एंडेमिक होता है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाली डिजीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा, आयोडीन की कमी से देखने में लगा। 23 की बात करते हैं कि ऑल आर द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट, सभी विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि छोड़कर या सिवाय, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट या आशा लगाते हैं, उम्मीद रखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है रिकेट्स होता है, वो विटामिन की कमी से वजह से होता है। तो रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, इसका भी विटामिन सी की वजह से होता है। चिलियोसिस होता है, वो चिलियोसिस होता है वो विटामिन, बताइए किसकी कमी से, चिलियोसिस कमेंट करके आप तुरंत बताइए कि चिलियोसिस किसकी वजह से देखने को मिलता है। चिलियोसिस और चिलियोसिस का मतलब होता है कि जो आपके एंगुलर होते हैं यानी कि जो लिप्स के जो एंगल्स होते हैं उनका क्या हो जाना, फट जाना ही चिलियोसिस के नाम से जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है मरास्मस होता है, और मरास्मस होता है वो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में आता है, और इसमें प्रोटीन की कमी से और एनर्जी की वजह से यानी कि एनर्जी या कैलोरी की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है वह मरास्मस होती है, जबकि प्रोटीन की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है उसमें क्वाशिकोर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो 23 होगा में मरास्मस होगा। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 24 में एक आंसर क्या रहने वाला है। 24 का आंसर कि कैल्शियम डिपॉजिट इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, यानी सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है किस कारण से होगा। तो जब भी आपका एक्सेसिव विटामिन डी होता है, एक्सेसिव अगर विटामिन डी होगा तो उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू में जाकर के विटामिन डी का डिपोजिशन होने लग जाता है। तो उसमें
कैल्शियम डिपोजिशन होगा क्योंकि उसमें एक्सेसिव विटामिन डी होता है, और विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला इसका बी होगा। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड, डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, उसकी वजह से मे लीड टू कंडीशन, कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? तो कैल्शियम की कमी से टिटेनी हो जाता है, या टिटेनी होती है वो कैल्शियम की कमी से होने देखने को मिलेगा। तो गोइटर होता है आयोडीन कमी से देखने को मिलता है, एनीमिया होता है वो सभी आपके जो भी फोलिक एसिड हुआ, विटामिन B12 हुआ, इन सभी की कमी से जो देखने को मिलता है, या प्रोटीन हुआ, आयरन हुआ, इनकी सभी की कमी से देखने को मिलता है उसे एनीमिया में होगा। जबकि अगर आपके कैल्शियम कमी होती है तो उसमें टिटनस टिटेनी देखने को मिलेगा। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए कॉज, 26 नंबर की बात करते हैं कि 26 में क्या आंसर रहने वाला है। तो डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होने वाला है? तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये सिम्टम होता है ये पेशेंट आकर के बताएगा। जबकि आपका दूसरे नंबर पे आता है कि साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो बाइटोट स्पॉट होता है ये देखने को मिलेगा, आपकी जो जीरोप्थैल्मिया देखने को मिलेगा, ये सभी साइन है। जबकि नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो सिम्टम होता है पेशेंट, और सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट खुद आकर बताता है, जबकि साइन का मतलब होता है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा पता लगाया जाता है, जो वो साइन कहलाता है, पेशेंट खुद आकर बताता है, सिम्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर रहने वाला है उसको डील करते हैं कि मरास्मस एंड क्वाशिकोर आर बोथ डिजीज अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। मरास्मस और क्वाशिकोर होते हैं वो बोथ डिजीज होती है इन्फेंट में होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है वो क्वाशिकोर एंड मरास्मस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो प्रोटीन रहने वाला है, मिनरल वाटर एंड विटामिन की कमी से मरास्मस एंड क्वाशिकोर नहीं होते हैं, ये मेनली होते हैं प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, जिसे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, प्रोटीन की कमी से होता है। 28 की बात करते हैं कि 28 में क्या देखने को मिलेगा। विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था? तो इसका विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम था 1970 में लॉन्च किया गया था विटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस प्रोग्राम। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 क्वेश्चन में क्या रहने वाला है इसका आंसर के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट। जब भी आप विटामिन ए की फर्स्ट डोज देते हैं तो विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब एडमिनिस्टर करते हैं? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है 9 मंथ पर विटामिन ए की फर्स्ट डोज को एडमिनिस्टर किया जाता है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, अप टू 5 ईयर तक देते हैं, और अगली जो डोज होगी फर्स्ट डोज होती है 1 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट देंगे। उसके बाद में जो 6 मंथ के अंतराल पर ये डोज दी जाती है, और इसमें जो टोटल दिया जाता है वो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, और हर 6 मंथ पर अप टू 5 ईयर तक देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो कितनी डोज हो गई है टोटल, इसमें जो डोज होती है, इसमें जो टोटल डोज होती है वो 9 डोज देते हैं। फर्स्ट डोज देते हैं वो देते हैं आपका 9 मंथ पर देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। अगली बार जब भी डोज देते हैं हर 6 वीक के इंटरवल पर देते हैं, और इसमें जो डोज दी जाती है फर्स्ट डोज होती है 9 मंथ पर देते हैं, और हर 6 मंथ के अंतराल पर, यानी हर 6 मंथ के इंटरवल पर इसमें डोज देते हैं, बढ़ाकर देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। तो टोटल डोज होती है वो उसकी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होगी। टोटल 9 डोज देते हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे फर्स्ट डोज 9 मंथ पर करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो 1963 में आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 में, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1953 में, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया, जबकि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया था 1958 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1963 में आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर रहेगा, मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन ईयर ऑफ। मिड डे मील प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो, अगर इसमें ऑप्शन आ जाता है
61 तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1961 होता है, लेकिन अगर 1961 नहीं आया तो उसमें आंसर मान सकते हैं 1962। अगर 1961 और 1962 दोनों हो तो 1962 को इसका आंसर देना है, क्योंकि मिड डे मील प्रोग्राम आया था वो 1961 में आया था, जबकि स्कूल मील प्रोग्राम आया था 1962 में आया था। तो करेक्ट आंसर होगा वो 1961 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि रोल ऑफ नर्सेज इन मिड डे मील प्रोग्राम में नर्सेज का रोल क्या होता है, तो असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग एवेल्युएशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। तो उसमें असेसमेंट करती है, हेल्थ का असेसमेंट करना भी नर्सेज की जिम्मेदारी होती है। प्लानिंग ऑफ इवेल्युएशन, क्या क्या प्लान करना है और क्या उसका इवेल्युएशन करना है उसकी जिम्मेदारी होगी। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, न्यूट्रिशन के ऊपर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। तो ये सभी रोल होते हैं वो मिड डे मील प्रोग्राम में नर्सेज के रोल है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। आगे के चैप्टर इसी तरीके से अपन डील करते चलेंगे, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मेनली सीएचओ के पेपर में, ऑल स्टेट सीएचओ में आपको मेनली बहुत से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।